ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पातंजलि योग सूत्र के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जन्म का कारण क्या है। अगर हमारा ये जन्म हुआ है तो क्या ये भगवान की मर्जी से हुआ है या इसका कोई और कारण हो सकता है, तो वो क्या क्या कारण है हमारे जन्म के लिए। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरो तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातंजल योग सूत्र के द्वितीय पाद यानी साधना पाद का 13वां सूत्र आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस चांट 13वां सूत्र। मैं एक बार रीड कर लेता हूं आपके लिए। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। अब एक साथ पूरा सूत्र। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सो अब इसके वर्ड मीनिंग को भी देख लेते हैं हम। सति मूले, मूले सती, मूले यानी जब तक ये मूल है। मूल क्या है? जो पिछले सूत्र में बताया था कि पांच क्लेश जो है वो इसकी मूल है, अविद्या अस्मिता आदि। सो अविद्या आदि क्लेश जो है, यहाँ पे क्लेश शब्द यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो अनुवृत्ति से आ रहे हैं और सूत्र का मतलब है कि मिनिमम वर्ड्स को यूटिलाइज करना है मैक्सिमम मैसेज देने के लिए। सो यहां पर अनुवृत्ति यानी जो पिछले सूत्र में जो वर्ड यूज किया था क्लेश को, वो यहाँ पे अनुवृत्ति आती है जब हम यहाँ पे बात करते हैं मूले की। सो मूले सती यानी अविद्या आदि क्लेश, ये पांच तरह के जो क्लेश हैं वो मूल के रहते हुए। तद विपाक, उसका फल। किसका फल? कर्माशय का फल। पाक यानी दैट विच इज कुक्ड। विपाक दैट विच इज वेरी वेल कुक्ड, जो बहुत अच्छी तरह से पक गया, यानी फल जो पूरी तरह से पक गया है और अब बस वो झोली में गिरने वाला है, वो फल। और वो फल क्या है, किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं? जाति यानी बर्थ, आयु यानी लॉन्जिविटी, आपकी लाइफ स्पैन कितना है, और भोगाहा, जब तक आप इस लाइफ में हो आप सुख दुख को भोगने वाले हो। भोगने वाले, इट इज नॉट नेसेसरली एंजॉयमेंट, बट कोई भी अनुभव जो आप करते हो, अच्छा बुरा मिश्रित जो भी अनुभव है, वो भोगाहा। सो भोगाहा यानी जाति आयु भोगाहा, वो तीन वर्ड है, वो तीन चीजों को दर्शाते, इसलिए भोगाहा, अदरवाइज भोगाहा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सती मूले, जैसे मैंने कहा था, मूले यानी अविद्या अस्मिता आदि, ये जो पांच तरह के क्लेश है, ये मूल है। किसके मूल है? कर्म के मूल है। कर्म होने के लिए ये मूल है। और जब ये कर्म आपके पक जाते हैं, तद विपाक, उस पके हुए फलों का उसका परिणाम किस तरह से होता है। तो ये जो कर्म फल है, आप जो यहाँ पे कर्म करते हो, इस लाइफ में जो आप कर्म करते हो, तो क्या ये जो कर्म फल है वो एक जन्म का है या अनेक जन्म का है? अनेक जन्मों के अनेक कर्म फलम है जो इकट्ठा हुए हैं। और कौन सा कर्म कब कहाँ कैसे किस रूप से मैनिफेस्ट होगा, वी डोंट नो। तो जो कर्म के लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट है वो वैसे मैनिफेस्ट होता है। सो एक जन्म अनेक कर्म, अनेक कर्म अनेक जन्म है,
अनेक जन्म से भी अनेक कर्म आते हैं. सो देर आर मेनी फोल्ड जन्मास, देर आर मेनी फोल्ड कर्मास ऑल्सो. और ये साइकिल जो है इसी तरह से चलता रहता है, कर्म से जन्म होता है और जन्म से कर्म होता है. अब एक प्रश्न ये कॉमनली आता है कि क्या ये जो मेरी लाइफ है क्या वो एक ही कर्म की वजह से मुझे पूरी लाइफ भोगनी पड़ेगी? नहीं, इट कुड बी मिनी कर्मास पुट टुगेदर, जिसकी वजह से एक बंडल है जो शायद कनेक्टेड होगी काफी हद तक, इसलिए आपको ये जन्म मिला. और क्या ऐसा है कि अनेक जन्मों का जो कर्म है वो एक ही कर्म होता है? नहीं, अनेक जन्म है. इनफैक्ट एक दिन में, एक मिनट में हम कई कर्मा करते हैं. आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप किसी से बात कर रहे होंगे, मोबाइल पे भी ध्यान है, ध्यान है इन द सेंस अगर रिंग बजे तो आप उठाओगे उसको भी. तो ऐसा तो नहीं कि आपने उस सब कुछ को स्विच ऑफ करके रखा है, करना चाहिए वैसे. सो अनेक जन्म है, अनेक कर्म है. ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही कर्म से एक लाइफ मिले, नहीं, कोई जरूरी नहीं. और अनेक जन्मों से एक ही कर्म हो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों भी सही नहीं है. सो अनेक जन्म है, अनेक कर्म है, और एक जन्म में भी अनेक कर्म होते हैं और ये कर्मों की वजह से हमारा जन्म होता है. लेकिन अब हम इसको विस्तार से देखेंगे कि कर्मों की वजह से किस तरह से हमारा जन्म होता है, क्योंकि ये तो प्राय हम सभी को पता है कि ये कर्म है, कर्म की वजह से हमारा जन्म होता है, या ये जन्म मृत्यु के साइकिल में हम बंधे हुए हैं कर्म की वजह से. मगर ये कर्म किस तरह से हमें इस साइकिल, जन्म मृत्यु के साइकिल में बांधने का काम करते हैं वो हम जानते हैं. सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म की इंटेंसिटी क्या है. जितनी ज्यादा इंटेंस कर्म है, प्रबल कर्म है, तो उसका मैनिफेस्टेशन उसे तुरंत चाहिए, उस कर्म को तुरंत व्यक्त होना, एक्सप्रेस करना है. इसको हम कहते हैं प्रधान कर्म. दूसरे कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो कर्म तो हो गए मगर वो इतने पावरफुल, स्ट्रांग इनफ नहीं है कि जिसके लिए वो आपको तुरंत जन्म प्रदान करे. सो वैसे जो कर्म है जो वेट करते हैं, ज्यादा प्रबल नहीं है, उसे हम कहते हैं उपसर्जन कर्म. प्रधान कर्म या प्रबल कर्म, यानी जो बहुत प्रबल है, पावरफुल है, स्ट्रांग है, विच नीड्स फ्रक्टिफिकेशन राइट नाउ इमीडिएटली. और उपसर्जन यानी विच कैन वेट, जो आराम से आएंगे, उनका फल अभी पूरी तरह से पका हुआ नहीं है. प्रधान कर्म का फल पक चुका है. तो जो फल है इसका फ्रक्टिफिकेशन, ये फलित कैसे होता है? अब फल तो मिला है, वो फलित भी हो गई, यानी उसका अंजाम तो हमें भोगना ही पड़ेगा जो भी है. तो ये दो तरह से है, एक नियत विपाक कर्म, एक अनियत विपाक कर्म. सो नियत विपाक कर्म यानी जो कर्म प्रबल है, जिसको मैनिफेस्टेशन की जरूरत है, वो कर्म लेकर हमारे ये जन्म हो गया है. इसे हम प्रारब्ध कर्म भी कहते हैं. जिस कर्मों को लेकर के हमारा ये जन्म हुआ है उन कर्मों को हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म. अनियत विपाक कर्म क्या है? यानी जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन अभी हमारे बैंक बैलेंस में पड़े हैं, कर्मा के बैंक बैलेंस में वो पड़े हैं. तो अब ये जो अनियत विपाक कर्म है, ये इसकी तीन तरह की गति हो सकती है. फ्यूचर में या तो ये कर्म का विनाश हो जाएगा, यानी आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, जो भी कर्म है अपने पुरुषार्थ की मदद से, आप उन कर्मों का विनाश कर सकते हो. अपने नॉलेज के साथ में आप उस कर्मों का विनाश कर सकते हो. ये हुआ एक गति. दूसरा है कि ये कुछ कर्म है जो आपके प्रबल प्रधान कर्म है फ्यूचर के, उनके साथ मर्ज हो जाएंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिमिलर नेचर के हैं, इसलिए उनके साथ मिलके वो वहां पे एक्सप्रेस हो जाते हैं. तीसरा है कि वो अनियत विपाक कर्म, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, जो नष्ट भी नहीं हुए हैं, जो प्रधान कर्म के साथ मिले भी नहीं, अपने आप में इंडिपेंडेंट पड़े, दे हैव टू वेट.
अगले कुछ जन्मों या अनेक जन्मों तक उसको इंतजार करना होगा, ताकि जब कंडीसिव इन्वायरमेंट होगा, अनुकूल इन्वायरमेंट होगा, तब वो मैनिफेस्ट होंगे। अब अनुकूल इन्वायरमेंट या कंडीसिव इन्वायरमेंट यानी क्या? यानी आज पूरे दिन भर में आपको ऑफिस का काम करना था, लेकिन चूंकि आज संडे आप ऑफिस जा नहीं सकते और आप अपना पीसी या लैपटॉप ला नहीं सके और आपका जो काम है वो वही होके करना है, तो ये आप आज नहीं कर सकते। और वही अगर आपको ऑफिस के किसी काम से मुंबई से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में आपने अपने ऑफिस का काम भी कर लिया और उसके साथ में आपके दूसरा और एक दो काम थे, या तो आपके अपने दोस्त से मिलना है, रिश्तेदार से मिलना है, लगे हाथों तो आपने वो भी काम कर लिया। अब उनसे मिलने के लिए कोई स्पेशली आप तो नहीं जाओगे, तो ये जो कर्मा है ये प्रबल कर्मा के साथ जुड़ गए और वो भी फलित हो गए। यहां पर कर्म फलक किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी आप अपने पुरुषार्थ से, अब आपको यहां से दिल्ली जाना है, जाने का काम है, टिकट और भी बुक हो गई, लेकिन अगर वही काम आप ऑनलाइन में ही कर लेते हैं तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, या किसी और को भेज के वो काम करवा लिए तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से आपने अपने पुरुषार्थ की मदद से आपके जो कर्म फल थे, जो आपको करना था, उस कर्म को आपने वैसे, जाने का जो कर्म था वो आपने वैसे डिस्ट्रॉय कर दिया इस तरह से। या एक रोजमर्रा के जीवन में हम कोई पुण्य कर्म पाप कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। सो मान लो कोई पाप कर्म हमें भोगना है, लेकिन इस जन्म में या अभी इस हाल में हमने और कुछ अच्छे कर्म कर दिए हैं, तो उन अच्छे कर्मों की वजह से हमें वो बुरे कर्म का फल मिलेगा ही नहीं, पूरी तरह से या तो नष्ट हो जाएंगे या क्षीण हो जाएंगे बिल्कुल, इसलिए वो हमें कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से तीन तरह की अनियत विपाक कर्म की गति होती है, कर्म फला गेट डिस्ट्रॉयड, या वो प्रधान कर्म से मिल जाते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, या वो सप्रेस्ड रहते हैं ताकि भविष्य में कभी वो फिर से मैनिफेस्ट हो सके जब इन्वायरमेंट कंडीसिव होता है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है, कर्म तीन तरह के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित, प्रारब्ध और आगामी, तो ये जो तीन तरह के कर्म ये क्या है? सबसे पहले संचित कर्म, संचित एज द नेम सजेस्ट, जो संचय किया हुआ है, अनेकों जन्म में हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं, जो मैनिफेस्ट नहीं हुए, जमा हो गए हमारे बैंक अकाउंट में, कर्मा की बैंक अकाउंट में, चित्रगुप्त जिनका हिसाब रख रहे हैं, तो वो जो कर्म है, टोटल कर्म, हमारे अनेकों सारे जन्मों के टोटल कर्म वहां इकट्ठा है, उसे हम कहते हैं संचित कर्म। उसमें से कुछ कर्म जो प्रबल होते हैं, जो अभी मैनिफेस्ट होना चाहते हैं, जो पक चुके हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, नियत विपाक कर्म जो है वो इस लाइफ में एक्सप्रेस होते हैं, यानी ये जो हमारी लाइफ है ये प्रारब्ध कर्म की वजह से है, तो प्रारब्ध कर्म की वजह से आपको ये जन्म मिलता है। और इस जन्म में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, या तो उसका फल हमें तुरंत यही मिल जाएगा दृष्ट रूप से, जिसको कहते हैं दृष्ट कर्म फला, या वो पुण्य या पाप के रूप में जमा हो जाते हैं और वो भविष्य में किसी लाइफ में हमें प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं अदृष्टा। अदृष्ट यानी कोई भी कर्म, पुण्य हो या पाप कर्म, लेकिन हमें पता नहीं है वो कब, कहां, कैसे, किस रूप से मैनिफेस्ट होंगे, हमें वो कब भोगना पड़ेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन वो जमा हो चुके हैं हमारे कर्मा अकाउंट में। अब ये जो कर्मा है ये तीन तरह से इस लाइफ में व्यक्त होते हैं। इस लाइफ में अगर कर्मा है तो वो कौन से कर्मा है इस लाइफ के, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो इस लाइफ के जो कर्म है, यानी
प्रारब्ध कर्मा वो तीन तरह से मैनिफेस्ट होता है। जैसे सबसे पहला है ये बर्थ, जो आपका प्रबल कर्मा है, जो इसको एक्सप्रेस होना है वो आपको बर्थ के रूप में यहां पे एक्सप्रेस होता है। दूसरा है लॉन्जिविटी, आयु हो, यानी आपकी एज कितनी होगी। कोई बच्चा है जो कोख में ही खत्म हो जाता है और कोई है जो 100 साल के ऊपर भी जीता है और कोई है जो 30-32 साल में ही अपने महासमाधि ले लेते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य। लेकिन वो 30-32 साल में इतना काम कर जाते हैं जो हजारों साल तक उनका काम याद किया जाता है, और कोई 100 साल में रह करके भी उतना काम नहीं कर सकता। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, 30-32 साल जी करके बड़ा काम करना है या 120 साल जी करके अपने लिए काम करना है सिर्फ, तो कौन सी लाइफ बेटर है? छोटी लाइफ बड़ा काम, बड़ी लाइफ छोटा काम। और तीसरा मैनिफेस्टेशन यहाँ पे भोग, तो जो भी हमारे पुण्य और पाप हैं उसको हमें भोगना पड़ेगा, ये गारंटेड है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब तो कर्मा है तो भोगना पड़ेगा, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस अगर तबीयत किसी की खराब हो गई, सब कर्मा है, क्या कर सकते हैं। कर्म का उपाय करना भी कर्म है। कर्म अगर कोई गलत हो गया, कोई गलत रिजल्ट मिल गया, तो उसका सुधार करना भी कर्म है, वो आपका पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और इसीलिए ह्यूमन बर्थ जो है वो सबसे स्पेशल बर्थ है, क्योंकि केवल और केवल इसी बर्थ में, ह्यूमन बर्थ में ही आपको पुरुषार्थ मिलता है, पुरुषार्थ की सहूलियत है। पुरुषार्थ बोलिए या फ्री विल बोलिए, यानी आप चाहें तो अपने कर्मों का चयन कर सकते हैं। अब प्रारब्ध कर्म में और पुरुषार्थ में क्या फर्क होता है? जो पेसिमिस्टिक लोग हैं वो कहते हैं कि जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, जो फिलोसोफर है, जो दार्शनिक है, वो कहेंगे कि जो भोगना तो पड़ेगा मगर उसे हम कैसे भोगे ये हमारे हाथ में है। भोगना तो पड़ेगा लेकिन उसको कैसे भोगे, कैसे हम अपने कर्म को चैनलाइज करें, वो हमारे हाथ में, वो हमारा पुरुषार्थ है। सो लॉ ऑफ डेस्टिनी, यानी हमारा प्रारब्ध का है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेस्टिनी, यानी यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट एक्शन, आप अपने पिछले कर्मों का फल है आज। बस तो इसलिए लोग ये समझते कि जो हमने कर्म किया उसका फल हमें मिला, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा सेज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट, एट द सेम टाइम यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर फ्यूचर, आप अपने पास्ट का फलम है आज जो भी है, बट उसी के साथ में आज आप जो कुछ भी करेंगे उससे अपने पास्ट को आने वाले कल में बदल सकते हैं। मैं यहां एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, एक दीवार पर नीला रंग है, ब्लू कलर है, उसके ऊपर आप येलो कलर करना चाहते हैं। जब आप येलो कलर करते हैं तो वो येलो करने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि ब्लू डार्क है, येलो बहुत लाइट है। लेकिन जब आप पहले येलो कलर करोगे तो आपको येलो कलर नहीं दिखाई देगा, कोई और कलर दिखाई देगा, और वो कौन सा कलर दिखाई देगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक सेकंड के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ब्लू के ऊपर अगर आप येलो कलर करोगे तो कौन सा रंग आपको मिलेगा सबसे पहले, वो है ग्रीन कलर। मगर जैसे जैसे आप उस पर येलो कलर करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें येलो कलर आता जाएगा। तो शुरुआत में येलो कलर करने से आपको ग्रीन मिलेगा, मगर बाद में वो येलो कलर मिल जाएगा आपको। तो यही है कर्म का सिद्धांत, कि आपने कुछ गलत कर्म किए
और अब आप उसको अच्छा कर्म कर रहे हो, तो जो फलम आपको मिलेगा वो मिश्रित फल है। फिर आप कहोगे भाई हमने तो अच्छा काम किया फिर भी हमको मिश्रित फल बुरा फल मिल रहा है, ये तो पुराने कर्मों का और अभी के नए कर्मों का मिला के मिश्रित कर्म है। इट कुड बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, आपने पहले बहुत अच्छे कर्म किए और आज कुछ गलत काम किया उसका मिश्रित कर्म मिलेगा आपको। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वो रिजल्टेंट इफेक्ट है, मिश्रित फल है आपके पुराने नए कर्मों का, ब्लू येलो कलर का मिश्रित फल आपको मिलता है। सो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कर्म करना है। सो लगातार अगर आप अच्छे कर्म करते जाएंगे हमेशा बिना ये सोचे कि उसका परिणाम हरा क्यों आया, बिना ये सोचे अगर आप काम करते जाएंगे डेफिनेटली एक दिन आपको येलो कलर मिल जाएगा, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल डेफिनेटली मिल जाएगा, दैट इज एश्योर्ड। अब जब हम बात करते हैं यहां पे जाति की, तो आपके अच्छे कर्मों का फल अगर है, आज आपने ये योग सूत्र को अच्छे से पढ़ा, वेदांत गुरु जी को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, उसको शेयर कर दिया दूसरों के साथ में, आपने अच्छे कर्म कर दिए, आप अपने नोट्स बना रहे हो, ये सारे अच्छे कर्म कर दिए, और कुछ सालों के बाद में ये कंटिन्यूस करते करते कुछ सालों के बाद में जब आपकी मृत्यु हो भी जाती है, तो आपका जो अगला जन्म है वो प्रबल कर्म जो है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए होगा। और भगवान कहते हैं कि आपने यहां पर जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, जो कुछ भी संस्कार आपने डेवलप किए हैं, तो भगवद गीता छठे अध्याय में भगवान कहते हैं यू विल बी बोर्न इन द हाउस ऑफ अ योगी, यू विल बी बोर्न इन द हाउस ऑफ अ योगी, आप योगी के घर में या तो जन्म लोगे या श्रीमंत के घर में आप जन्म लोगे। इन शॉर्ट यू विल पिक अप द थ्रेड एंड कंटिन्यू विथ योर स्पिरिचुअल जर्नी, बट यू आर ऑलरेडी इन द हाउस ऑफ अ योगी हियर राइट नाउ जब आप मुझे सुन रहे हैं तो। और आयु भी डिपेंड करता है कि आप कितना स्लो अपने लाइफ में काम करते हैं या कितना फास्ट, कितना ज्यादा अपने लाइफ में काम करते हैं। और भोगा भी जो आपके प्रारब्ध में भोगना है वो तो भोगना है, लेकिन उसको आप कैसे भोगे ये आपके ऊपर है। जैसे आपके प्रारब्ध कर्मा में है कि आपके हाथों किसी की हत्या होनी है, या आपका स्वभाव वैसा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, आपका स्वभाव वैसा है कि लड़ना आपके स्वभाव में है, तो आप उसे चैनलाइज कर लो, देश के लिए समर्पित कर दो, आप पुलिस में या सोल्जर बन जाओ कहीं पर, तो दैट विल बी हेल्पफुल। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं तो रोजमर्रा के जीवन में हम किसी और व्यक्ति के साथ लड़ते रहेंगे। सो प्रारब्ध कर्मा है, लेकिन उसके साथ में पुरुषार्थ की मदद से आप अपने प्रारब्ध कर्म को सही ढंग से चैनलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स द बून व्हाट यू हैव पुरुषार्थ। हालांकि पुरुषार्थ के बारे में यहां पर इतना नहीं बताया, यहां पे कर्मा के बारे में बताया कि कर्म किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं, बट यू आर द मोस्ट लकीएस्ट स्पीसीज अमंग ऑल क्योंकि आप ही के पास में पुरुषार्थ है। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं, और आने वाले वीक में हमारे Q&A सेशंस होंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके भेज सकते हैं। ओम तत्सत। लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।